नमस्ते दोस्तों, खजूर पाक की तो बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, पर मुझे कुछ कमेंट आए थे कि कहीं जगह पर सॉफ्ट वाली खजूर नहीं मिलती है तो वो कैसे बनाए। तो यहाँ पर हम आज उनके लिए भी एक बेस्ट रेसिपी लेकर आए। तो यहाँ पर खजूर तो मेरे पास सॉफ्ट थी, पर मैंने फिर भी उसे है ना 2 से 3 पानी से धोकर उसे पानी में भिगो कर रख दिया। और साथ में यहाँ पर कुछ नट्स और कुछ तो हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए हैं। तो खजूर हमारी अच्छे से भीग चुकी है। तो 400 ग्राम खजूर को मैंने 1 गिलास पानी में भिगो कर रखा था। यहाँ पर मैंने कुछ 1-1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब यहाँ पर ये खजूर को हम एक स्ट्रेनर में छान लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो अलग निकल कर आ जाएगा। और ये पानी को भी हमें वेस्ट नहीं करना है, हम इसकी सौंठ की चटनी भी बना सकते या तो फिर जो बच्चों को हम मीठा दूध बनाकर देते हैं ना उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बाजू मैंने मोटे तलिए की कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रख दिया और घी गरम होते ही मैंने यहाँ पर गोंद, जिसे गुजराती में बावड़ियो गुंदर और जिसे महाराष्ट्र में कहा जाता है डिंग, उसे हम अच्छे से घी में तल लेंगे। इसे एडेबल गम भी कहा जाता है। इसे मीडियम आंच पर तलकर हम साइड में रख देंगे और वही घी के अंदर मैंने कुछ बादाम को भी सेक लिया है। यहाँ पर जितनी खजूर है ना उससे डबल मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है। यहाँ पर मैंने बादाम, अखरोट और पिस्ता का इस्तेमाल किया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो उसका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप काजू, मगज, तरीके बीज वो भी यहाँ पर ले सकते हो। अब ये सारे नट्स को हमने सेक लिया, पर आप देख सकते हो कि कई लोग दिखाते कि वही कढ़ाई में हमें खजूर को सेकना है। भाई ये आपको रिजल्ट दिखाने के बाद आपको लगता है कि अब वही कढ़ाई में हमें खजूर को सेकना चाहिए, नहीं तो मैं इसे पहले टिश्यू से क्लीन करती हूँ और उसके बाद मैंने कढ़ाई को धो लिया, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे। और खजूर का जो एक्स्ट्रा पानी निकला है ना उसे हम फ्रीज़र में हफ्ते भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। और भीगी हुई खजूर को मैंने एक साइड में पीस कर रख दिया है और वही कढ़ाई के अंदर मैंने सूखा खोबरा जो होता है ना उसे सेक लिया ताकि उसका भी कच्चापन चला जाए और इसका बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं आता है। और सेम कढ़ाई के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच घी गरम करने के लिए रख दिया है और घी गरम होते ही हमने यहाँ पर पीसी हुई खजूर को इसमें सेकना है। गैस की फ्लेम को हमें धीमा रखना है और धीमी आंच पर खजूर को सेकना है। मान लीजिए 400 ग्राम खजूर को सेकने के लिए मुझे कुछ 1/2 घंटा लग गया था दोस्तों, और बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने ये रेसिपी बनाई तो मेरे घर पर तो सबको बेहद पसंद आई। और बीच बीच में हमें इसको चलाते रहना है वरना खजूर जो है वो तलिए में चिपक सकती है। अच्छे से सिक जाने के बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच खसखस ले लिया है और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घर का बना हुआ सौंठ पाउडर लिया है। अगर आप मार्केट का लेते हो तो आप 3 से 4 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हो। और 1/2 छोटी चम्मच ताजी वाली हरी इलायची को कूट कर लिया है, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। खजूर को हमें अच्छे से मिलाना है और एकदम अच्छा इसका घोला बन जाए, पूरा पानी जो है वो सूख जाए उतने देर तक हमें पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी खजूर की जो एकदम पेस्ट है ना गाढ़ी हो चुकी है। और जैसे मैंने आपको कहा ना इसे जो है सिकने के लिए ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर जो है हमारे नट्स ठंडे हो चुके हैं तो इसे भी थोड़ा सा हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस के यूज़ कर सकते हो, पर एकदम फाइन पाउडर मैंने नहीं किया है। यहाँ पर मैंने खजूर और अखरोट और थोड़े से पिस्ता मिला लिए हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। खजूर का मिश्रण ठंडा हो जाने के बाद ही मैंने ड्राई फ्रूट मिलाए हैं। मैं ये सारा मिश्रण हाथों से मिला रही हूँ, इसके लिए मैंने हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल किया है। आप बिना हैंड ग्लव्स के भी इसे मिक्स कर सकते हो। अब यहाँ पर सारा मिश्रण हमारा ठंडा हो चुका है तो मैंने यहाँ पर गोंद भी ऐड कर दिया है। 400 ग्राम खजूर थी तो मैंने 150 से 200 ग्राम के जितना गोंद इसमें इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा जो प्लेट हमने सेट करके रखी है ना उसके ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ता और थोड़ा सा गोंद भी हमने स्प्रिंकल कर दिया है और ऊपर से हमारा ये खजूर पाक जो है ना उसे सेट करने के लिए रख देंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो नट्स या जो भी आपको स्वीट्स डालने आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज की ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आप इसमें और क्या वेरिएशन करते हो वो भी मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी कुछ आइडिया आपसे मिल सके। तो एकदम परफेक्टली हमारा ये खजूर पाक तैयार है। इसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा, नॉर्मली ऐसे ही सेट करने के लिए रख दिया और एकदम सेट हो गया। उसके बाद मैंने इसके मनचाहे पीसेस कट कर लिए। थोड़ा मिश्रण मेरे पास अलग से निकाल के रखा था, उसके अंदर मैंने सूखे नारियल को जो हमने सेक के रखा था उसको मिक्स कर दिया। आपको इन दोनों
में से कौन सा वाला फ्लेवर ज़्यादा पसंद है वो भी मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो जल्द मिलेंगे नई रेसिपी में।